आंख खुली और जहन बेदार हुआ तो इसने खुद को किसी अस्पताल के कमरे में पाया। सूरज की रोशनी रोशनदान के जरिए कमरे में आ रही थी। अभी वो करवट लेने की कोशिश कर ही रहा था कि एसपी रहमान की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। हादसा रात के किस वक्त पेश आया? मेरा ख्याल है कि इस वक्त रात के 11:15 का अमल था। हम दोनों बर्गर हाउस से 10:45 वापसी के इरादे से रवाना हुए थे। किसी तीसरी शख्सियत ने जो कमरे में पहले से मौजूद थी बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। वो स्कूटर वाला बस अचानक ही साइड लाइन से मेन रोड पर आ गया। अगर रहमत अली ने इसे बचाने की कोशिश न की होती तो वो चटनी बन जाता, लेकिन इस कोशिश में गाड़ी काबू से बाहर हो गई और रोकते रोकते स्कूल की दीवार से टकरा गई। स्पीड कम न होती तो हम दोनों में से किसी एक की जान भी जा सकती थी। और आपने इस हादसे की इत्तला करीबी थाने में कर दी, रहमान साहब ने कुछ सोचते हुए कहा। हालांकि अगर चाहते तो आप वहाँ से बगैर पुलिस को इत्तला दिए हुए भी जा सकते थे। कानूनी खाना पूरी करना मैंने ज़रूरी समझा था, तीसरी शख्सियत ने जवाब दिया। इस वक्त तक मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे दोस्त को ज़्यादा शदीद चोट नहीं आई है। डॉक्टरों का क्या कहना है? मामूली तौर पर बेहोशी का असर बाकी है। हो सकता है कि होश आने पर आज यह अस्पताल से रुखसत कर दिया जाए। रहमत अली का जहन पूरी तरह बेदार हो चुका था। वो इस आवाज़ को भी पहचान चुका था जो एसपी रहमान को एक फर्जी कहानी सुना रही थी। मगरबी गार्ड वाले हादसे के वक्त बेहोश होने से कबल वही आवाज़ इसके जहन में गूंजी थी। इसने अपने किसी साथी से गाड़ी का व्हील तब्दील करने को कहा था। जिस अंदाज में वो एसपी रहमान से गुफ्तगू कर रहा था, इससे यही जाहिर हो रहा था कि इसने खुद को रहमत अली का दोस्त ही जाहिर किया होगा। और अस्पताल में इसकी मौजूदगी का मकसद भी गालबन यही था कि वो रहमत अली को होश आते ही ताकीद कर सके कि इसे पुलिस को क्या बयान देना है। लेकिन एसपी रहमान को इस हादसे की इत्तला किस तरह हो गई थी, रहमत अली ने सोचा। फिर इसका जवाब भी इसे किसी जहनी जिमनास्टिक के बगैर ही मिल गया। तुम्हारा दोस्त मेरे अच्छे खासे वाकफ कारों में से है, रहमान साहब की आवाज़ उभरी। तुमने जिस थाने पर रिपोर्ट लिखवाई थी वहाँ का ऑफिसर इस बात से वाकिफ है, इसी ने मुझे इत्तला दी है। खुदा का शुक्र है कि हादसा जानलेवा साबित नहीं हुआ, वरना गाड़ी जिस अंदाज में काटी गई थी इसने मुझे बौखला दिया था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, रहमान साहब ने कहा। रहमत अली को होश आ जाए तो इसे मेरी आमद की इत्तला ज़रूर दे देना। रॉयड सर, फिर कदमों की आवाज़ उबर कर दूर होती चली गई। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ के बाद ही रहमत अली ने करवट बदली थी। कमरे में वो तन्हा नहीं था, शरीर बदन का एक शख्स और भी था जिसे रहमत अली पहली बार देख रहा था। तुम? खाकसार को उस्ताद रिजवी के नाम से याद किया जाता है, अजनबी ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। फिर मायने खेज लहजे में बोला, मुझे यकीन है कि जब मैं तुम्हारे दोस्त रहमान साहब से गुफ्तगू कर रहा था इस वक्त तुम होश में ही थे। तुम्हारा बयान वही होना चाहिए जो मैंने दिया है, बॉस का हुक्म भी यही है। बॉस कौन? रहमत अली ने सवाल किया। वही जिसने तुम्हें मगरबी घाट जाने का हुक्म दिया था, उस्ताद रिजवी ने सपाट लहजे में कहा। टकराव का नतीजा क्या निकला? दोनों तरफ के लोग काम आए हैं, लेकिन बॉस कमीशन अधूरा नहीं रहा। वो पैकेट जो तुम्हें दिया गया था इसकी डिलीवरी की जिम्मेदारी मैंने पूरी की थी। क्या तुम बॉस से कभी मिले हो? यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हारा जवाब भी नफ़ी में होगा, उस्ताद रिजवी ने सपाट आवाज़ में कहा। हमें काम का मुआवजा मिलता है, वो हमारी मेहनत से कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए हमें सिर्फ आम खाने से गर्ज होनी चाहिए। तुम बॉस के लिए कब से काम कर रहे हो? कल रात हम दोनों सोसाइटी के इलाके में बर्गर हाउस पर थे। हमारी वापसी 10:45 हुई। रोड सुनसान थी इसलिए तुम गाड़ी खासी रफ्तार से चला रहे थे। फिर एक स्कूटर वाले के अचानक सामने आ जाने से तुम बौखला गए। तुमने इसे बचाने के खातिर स्टीयरिंग को तेज़ी से काटा था और इसके नतीजे में तुम्हारी गाड़ी एक गर्ल स्कूल की दीवार से टकरा गई थी। इसके बाद तुम्हें कोई होश नहीं रहा। होश आने पर तुमने खुद को इसी कमरे में पाया था, उस्ताद रिजवी ने इसकी बात काटते हुए जवाब संजीदगी से दिया। बॉस के हुक्म के मुताबिक तुम्हारा यही बयान होना चाहिए। और हम दोनों एक दूसरे से कब से वाकिफ हैं? रहमत अली ने मुस्कुराते हुए पूछा। 2-3 महीने से, उस्ताद रिजवी ने सोचते हुए कहा। हमारी मुलाकात एक वैरायटी प्रोग्राम में हुई थी, इसके बाद ये हम दोनों ख्यालात की हम आहंगी के सबब करीब होते गए। तुम्हारी रहायशगाह का पता क्या है? 24 वेलकम गेस्ट हाउस, क्लिफ्टन, जहाँ मैं तन्हा रहता हूँ, उस्ताद रिजवी ने लापरवाही से जवाब दिया। काम क्या करते हो?
ना तजुर्बाकार लोगों को मौत के मुंह से बचाता हूँ, उस्ताद रिजवी ने मायने खेज अंदाज में कहा। कल रात ही का वाक्या ले लो, अगर मैंने बरवक्त तुम्हारी मदद न की होती तो शायद तुम भी अंधेरे में सनसनाती हुई गोली की जद में आ गए होते और वो पैकेट जो बॉस ने तुम्हें दिया था इस वक्त कस्टम के अमले की तहवील में होता। मुझे उम्मीद है कि हमारी मुलाकात आइंदा भी दोस्तों की तरह होती रहेगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते कि तुम मेरे बारे में खोज लगाने का इरादा कभी नहीं करोगे। बॉस के ख़ास आदमी मालूम होते हो। हम दोनों में से कौन ज़्यादा अहम है इसका फ़ैसला बॉस ही करता है, उस्ताद रिजवी ने जवाब दिया। तुम खासे दिलचस्प आदमी हो, रहमत अली ने कहा, तुमसे मिलकर खुशी हो रही है। मैं अब चलता हूँ, शाम को किसी वक्त दोबारा आऊँगा। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम्हें आज या कल किसी वक्त यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, उस्ताद रिजवी ने उठते हुए कहा, फिर सपाट लहजे में बोला, मुझे अफसोस है कि हालात की पेश नज़र मुझे तुम्हारे ऊपर कारी ज़र्ब लगानी पड़ी थी, लेकिन इसके अलावा इस वक्त और कोई चारा भी नहीं था। पैकेट हाथ से निकल जाने की सूरत में बॉस हम दोनों को कभी माफ़ न करता। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या कल रात को मगरिबी घाट के करीब दरपेश आने वाले खूनी हादसे का जिक्र अखबारात में नहीं आ जाएगा, रहमत अली ने संजीदगी से कहा। ज़रूर आएगा, लेकिन मैंने वहाँ से रवानगी से कबल इस बात की तस्दीक कर ली थी कि पुलिस को बयान देने के लिए हमारा कोई आदमी जिंदा हालत में नहीं था जो बच गए हैं। इन्हें कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड रहने की इजाज़त कर दी गई है। और कुछ दरियाफ्त करना चाहते हो? हाँ, सिर्फ एक सवाल पूछो। क्या तुम्हें यकीन है कि कस्टम के अमले के हाथ गिरफ्तार हो जाने की सूरत में बॉस हमारे लिए किसी काम आ सकता था? मैंने आज तक इन फजूल बातों में सल नहीं खपाया। जो काम करता हूँ इसकी मुंह मांगी उजरत वसूल करता हूँ, इसलिए पेश आने वाले हादसे की जिम्मेदारी भी हमारी अपनी होती है, उस्ताद रिजवी ने जहर खान से जवाब दिया। फिर तेज़ी से एडियों के बल घूमा और लंबे लंबे डग भरता कमरे से बाहर निकल गया। रहमत अली के जहन में गुज़श्ता रात पेश आने वाले वाक़यात की याद ताज़ा होने लगी। फिर इसके जहन में तंजीम के सरबराह का जुमला गूंजने लगा, मौत और ज़िंदगी का खेल मेरी फितरत है। और इस जुमले के साथ साथ डॉक्टर नादर की शख्सियत भी मशकूक से मशकूक तर होती चली गई। इसने उस्ताद रिजवी के बारे में भी गौर किया, वो इंतहाई चालाक, फुर्तीला और चलता पुरजा लगता था, लेकिन शायद वो पुरेसरार तंजीम के सरबराह की शख्सियत से नावाकिफ ही था। लेकिन रहमत अली के जहन में बहरहाल वो शदीद जरब महफूज थी जिसने इसे बेहोशी की कैफियत से दोचार कर दिया था। वो इस हिसाब को चुकता करने के बारे में सोचने लगा। रिसीवर पर उभरने वाली आवाज़ सुनते ही मैडम बरलास के चेहरे पर नफरत और हकारत के मिले जुले तासरात फैल गए। फ़ोन करने का मकसद बयान करो, वो खुश्क लहजे में बोली। मुझे मालूम है माई डियर, तुम्हें शहबाज की मौत का बहुत सदमा है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए भी किसी वक्त ख़तरे की घंटी साबित हो सकता था। काम की बात करो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सिमत दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी पेशकश कबूल कर लूँगी? दानिशमंदी का यही तकाजा है कि हम मिलकर काम करें, संजीदगी से कहा गया। सेठ जवाहर वाला और शहबाज के बाद हमारे रास्ते का एक ही कांटा बाकी रह गया है, जाहिद खान। हम मिलकर इसे नीचा दिखा सकते हैं। ओ मैडम ने जाहिद खान से कहा, गोया तुम मुझे साथ मिलाए बगैर जाहिद खान से नहीं टकरा सकते। ख्याल है तुम्हारा, वरना जाहिद खान भी मेरे लिए कोई मसला नहीं है। तुमने शहबाज को खतरे की घंटी कहा था, कोई ख़ास वजह? हाँ, इसने तुम्हारी रियायत हासिल होने के सबब हाथ पैर निकालने शुरू कर दिए थे, दूसरी जानिब से संजीदगी से कहा गया। तुमको शायद यकीन ना आए, लेकिन वो कई बार हमारे रास्ते काटने की हमाकत कर चुका है, चुनाचा मैंने यही मुनासिब समझा कि दरख्त को तनावर होने से पहले ही जड़ से उखाड़ दिया जाए। इसके खिलाफ कोई सबूत पेश कर सकते हो? हम जिस रास्ते के मुसाफिर हैं इसमें एक मामूली सा शुबा भी बड़ा सबूत होता है, लेकिन तुमने आंख बंद करके इस परंदा एतमाद शुरू कर दिया था, शायद इसलिए कि वो तुम्हारे परिस्तारों में से एक था। एक था से तुम्हारी क्या मुराद? मैडम ने तेज़ी से सवाल किया। तुम चाहो तो अब मुझे शहबाज की जगह दे सकती हो। कमीनगी की बातों से परहेज़ करो, मैं अजनबियों से बेतकल्लुफ़ होने की आदी नहीं हूँ। मैंने इसी अजनबियत को दूर करने की खातिर तुम्हें दोस्ती की दावत दी है, इसी में हम दोनों का फ़ायदा है। जाहिद खान का क्या करोगे? मैडम ने कदरे तामल से कहा। क्या हमारे मिल जाने के बाद वो रास्ते से हट जाएगा? नहीं, मैं इसकी खसलत से बखूबी वाकिफ़ हूँ, बहुत कीना परवर और घटिया जहनीत का मालिक है। इंतकाम लेना इसकी सरिश्त में दाखिल है, मगर वो ठंडा करके खाने का आदी है। हो सकता है कि बरलास इंटरप्राइज की तबाही में इसी का हाथ हो और इसने नहायत खूबसूरती से इसकी तमाम जिम्मेदारी सेठ जवाहर वाला के सर डाल दी हो। यही शुबा मैं तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ।
नहीं, मैं चोरों की तरह से छुप कर पुष्ट परवार करने का आदि नहीं हूँ। जो मारता हूँ सामने ही मारता हूँ। शहबाज के सिलसिले में क्या वजाहत करोगे? मैडम बल्लास ने तलख लहजे में जवाब दिया। मैं इसे भी मुतअद्दद बार वार्निंग दे चुका था, लेकिन शायद मौत इसके सर पर मंडला रही थी। और अकबर के अगवा को किस खाने में फिट करोगे? मैडम ने तेज़ी से कहा। क्या तुमने रहमत अली की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की? किसी की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाना भी हर शख्स के बस की बात नहीं है, दूसरी जानिब से कहा गया। मैं चाहता तो रहमत को अकबर के इवज़ अपने बेदाम ग़ुलाम बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। शहबाज का कांटा साफ होते ही अकबर को हस्बे वादा आज़ाद कर दिया गया था। रहमत अली के बारे में तुमने अब क्या सोचा है? मैं समझा नहीं। क्यों, क्या तुम्हें इस बात का इलम नहीं है कि इसने बल्लास इंटरप्राइज की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया है? वो इसका ज़ाती फैसला होगा। मैंने इसे ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया था। वैसे रहमत अली जैसा आदमी हमारे काम के लिए मौजूद तरीन कहा जा सकता है। जायद ख़ान के बारे में तुमने क्या प्लान मुरतब किया है? इसकी राह और रस्म सरकारी हलकों में बहुत ऊपर तक है। क्या तुम यकीन करोगे कि चीना और वाजिद को इसी के गुर्गों ने अगवा करके एस पी रहमान के हवाले किया था, लेकिन इसे इन दोनों की रहाइशगाह का इलम किस तरह हुआ था? इसमें भी हमारी किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है। जायद ख़ान ने मेरे किसी आदमी को भारी रकम देकर खरीद लिया हो। तुम यकीन से किस तरह कह सकते हो कि इन दोनों को जाहिद ख़ान के गुर्गों ने अगवा किया था? हमारे अपने भी कुछ जराए होते हैं, दूसरी जानिब से सरसरी अंदाज में जवाब मिला। फिर पूछा गया, तुमने मेरी पेशकश के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं तुम्हारी पेशकश मुस्तरद कर दूं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन तुम खसारे में रहोगी, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे सारे ख़ास ख़ास मोहरे पिट चुके हैं। इस हमदर्दी की वजह तुम काम की चीज़ हो, हमारा गठजोड़ हमारे हरीफों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। आईसी गोया तुम मेरे ताल्लुकात को कैश करना चाहते हो। जाहिर है कि दो फरीक जब एक दूसरे से किसी मुश्तरका कारोबार का समझौता करते हैं तो इनका अपना अपना मफाद होता है। मैं तुम्हारी पेशकश पर गौर कर सकती हूँ, लेकिन दो शर्त पर। वो क्या? तुम रहमत अली से कहोगे कि वो बल्लास इंटरप्राइज से अलग न हो, और दूसरी शर्त, तुम्हें अपनी असलियत जाहिर करनी होगी। मैडम बल्लास ने गहरी संजीदगी से कहा, इसलिए कि मैं आँख बंद करके किसी नादीदा फरीक पर एतमाद नहीं कर सकती। रहमत अली के सिलसिले में मुझे तुम्हारी पेशकश मंजूर है, और अपने सिलसिले में तुम क्या कहोगे? तुम चाहो तो मेरी बात पर एतमाद कर सकती हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे मफाद को हमेशा तरजीह दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी शख्सियत को बेनकाब नहीं कर सकता। क्या ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? तुम चाहो तो यही समझ लो, फिर मेरा फ़ैसला भी सुन लो। हमारा गठजोड़ सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि हम एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ हों। क्या सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं कि मैं भी तुम्हारे परिस्तारों में से हूँ? बात टालने की कोशिश मत करो। दोस्ती करनी है तो तुम्हें मेरे सामने आना होगा। एक बार फिर सोच लो, हो सकता है कि तुम्हें बाद में अपने फ़ैसले पर काफ़ी अफसोस मिलना पड़े। तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने ज़िंदगी में कभी नुकसान पर अफसोस नहीं किया। रहा जाहिद ख़ान का मामला, तो अगर इसने कभी मेरी राह में कांटे बिछाने की कोशिश की तो इसे अपनी हमाकत बहुत महंगी पड़ेगी। मुझे याद है कि एक बार मैंने तुम्हारे कहने पर खान के कुछ आदमियों को ठिकाने लगाया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं चल सकती। मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूँ, जल्दबाजी में किए गए फैसले अच्छे नहीं होते, और ऐसी सूरत में जबकि तुम मेरी ताकत से बखूबी वाकिफ़ हो। मैं अपने फ़ैसले बदलने की आदी नहीं हूँ। दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो तो खुलकर सामने आओ। मैडम बल्लास ने फैसला गुन अंदाज में जवाब दिया, फिर दूसरी तरफ से जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अस्पताल में रहमत अली को इसी रात रुख्सत कर दिया गया। सर की चोट ज़्यादा शदीद नहीं थी। रुख्सत होने से पहले इसे एक बार दू बदू एस पी रहमान से गुफ्तगू करनी पड़ी। रहमत अली ने वही कहानी दोहराई जो इससे पेशतर उस्ताद रिजवी ने पुलिस को सुनाई थी। एस पी रहमान की ज़ुबानी से इस बात का इलम हुआ था कि इसकी गाड़ी को अच्छी खासी डेंटिंग और पेंटिंग की ज़रूरत पेश आ गई है। मैडम बल्लास भी ऐन इसी वक्त पहुँची थी जब रहमत अली और रहमान साहब के दरमियान इस हादसे के बारे गुफ्तगू हो रही थी। क्या हादसे के वक्त तुम तनहा थे या कोई और भी तुम्हारे साथ था? मैडम ने सवाल किया। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, इसने अपना नाम शायद उस्ताद रिजवी बताया था, एस पी रहमान ने अपनी याददाश्त ताज़ा करते हुए कहा। अजीब सा नाम है, बशीर रिजवी या मुगीर रिजवी तक तो ठीक है, लेकिन ये उस्ताद रिजवी चे मायने वारद। बहरहाल आदमी वो उस्ताद ही लगता है। रहमत अली ने मैडम बल्लास को उस्ताद रिजवी के नाम पर चौंकते देखा, लेकिन वो खामोश रही। फिर इसने रहमान साहब के जाने के बाद रहमत अली से बहुत संजीदगी से दरियाफ्त किया, उस्ताद रिजवी को तुम कब से जानते हो?
कल रात शेर अहमद अली ने संजीदगी से जवाब दिया, हमारी मुलाकात बस इत्तफाक ही हुई थी। इसने बीच सड़क पर आकर मुझसे लिफ्ट मांगी थी। अंदाज इस कदर दोस्ताना था कि मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी और फिर जब तुम्हें होश आया तो तुमने खुद को अस्पताल में पाया। मैडम बरलास ने इसका जुमला दरमियान से उचकते हुए कहा, वो बयान जो पुलिस की फाइल पर मौजूद है वो यकीनन उस्ताद रिजवी ही के जहन की इख्तरा मालूम होती है और इसी बयान को असलियत का रंग देने की खातिर तुम्हारी गाड़ी को एक हादसे से दोचार किया गया। क्यों, क्या तुम्हें मेरी बात से इख्तलाफ है? मैं कुछ समझा नहीं, रहमत अली ने बड़ी मासूमियत से कहा। इतनी कीमती गाड़ी मैंने जानबूझकर तो दीवार से नहीं टकराई होगी, बल्कि यूं कहो कि तुम्हारे फरिश्तों को भी इसका इलम नहीं होगा कि गाड़ी का हादसा कब, कहां और क्यों पेश आया। वो दरअसल एक मोटरसाइकिल सवार अचानक, मोटरसाइकिल नहीं बल्कि स्कूटर सवार, मैडम ने चुपते हुए लहजे में कहा। तुमने रहमान साहब को स्कूटर ही की कहानी सुनाई थी, क्या आपको मेरी बात पर शुबा है? पहले सिर्फ शुबा ही था मगर अब यकीन आ गया है, मैडम ने सपाट और खुश्क लहजे में कहा। सुबह का अखबार पढ़ने के बाद ही मेरे जहन में तुम्हारा नाम उभरा था, लेकिन अब उस्ताद रिजवी के नाम ने मेरे शुबे की तस्दीक कर दी है। क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात से पेशतर तुम किसी उस्ताद रिजवी से वाकिफ़ नहीं थे, मैडम ने पूरे वसूख से जवाब दिया। मुझे यकीन है कि तुम्हारी और इसकी पहली मुलाकात इसी अस्पताल में हुई होगी और तुमने जो कहानी पुलिस को सुनाई है इसका भी हकीकत से दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आपके ख्याल में हकीकत क्या है? रहमत अली ने दरियाफ्त किया। क्या सुबह के अखबार ने इस हादसे को कोई और रंग दिया है? नहीं, किसी अखबार में भी तुम्हारी गाड़ी के हादसे की कोई खबर शाया नहीं हुई, लेकिन अभी तो आपने कहा था। रहमत अली, मैडम ने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कि आप तो मुझे अपना दुश्मन समझने लगे हो जो एक तलख हकीकत से पर्दापोशी कर रहे हो। मैं अब भी नहीं समझ सका कि आप क्या कह रही हैं। रहमत अली ने एक बार फिर अनजान बनने की कोशिश की। अखबार में शाया होने वाली खबर का हवाला तो आपने दिया था। हाँ, लेकिन इस खबर का ताल्लुक तुम्हारी गाड़ी के हादसे से नहीं बल्कि इस तसादुम से है जो गुज़श्ता रात मगरबी घाट के करीब एक गोठ में कस्टम के अमले और स्मगलरों के दरमियान पेश आया और दोनों तरफ के कुछ लोग भी इस हादसे में काम आ गए। लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, मैडम बरलास ने इसका जुमला काटते हुए पूरी संजीदगी से कहा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम मगरबी घाट की तरफ क्या करने जा रहे थे और उस्ताद रिजवी को कब से जानते हो? रहमत अली ने एक लम्हे को कुछ सोचा, फिर सपाट आवाज़ में बोला, मगरबी घाट की सीमत लोग रात को किस इरादे से जाते हैं इसका अंदाज़ा आपको भी बखूबी रहा होगा। रहा उस्ताद रिजवी, तो आपका ये ख्याल दुरुस्त है कि मैंने इसे होश आने पर पहली बार इसी अस्पताल में देखा। क्या तुम कस्टम वालों की नज़रों में तो नहीं आ गए? मैडम के लहजे में तशवीश थी। नहीं, जो कुछ हुआ वो सब घूप अंधेरे में हुआ। तुम मगरबी घाट क्या करने जा रहे थे? मुझे किसी का सामान एक ख़ास आदमी तक डिलीवर करना था। पुरस्कार तंजीम का सरबरा, मैडम बरलास ने मदम और राजदाराना अंदाज में पूछा। सॉरी, ये बिजनेस सीक्रेट है, मेरी एक बात मानोगे? फरमाइए। उस्ताद रिजवी से बच कर रहना, वो इंतहाई ख़तरनाक और चलता पुर्जा है। ज़रूरत पड़ने पर वो हालात को कोई नया रंग देने की खातिर तुम्हारा खून करने से भी दरेग नहीं करेगा। उस्ताद रिजवी के बारे में आप और क्या जानती हैं? रहमत अली ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। इसी ज़माने में यह भाड़े का टट्टू कहा जाता था, मैडम बरलास ने हकारत से जवाब दिया। एक माकूल मुआवजे के बस कोई पार्टी भी इसकी खिदमत हासिल कर सकती थी। कुछ दिनों तक मेरे लिए भी काम कर चुका है, अपने पेशे के अतबार से काबिल एतमाद ज़रूर है, लेकिन किसी राज को पोशीदा रखने के सिलसिले में दूसरों की खाल उतारने में भी बड़ी महारत रखता है, लेकिन आजकल बहुत ऊँचा उड़ रहा है। मेरी मालूमात के मुताबिक अब वो सिर्फ तंजीम के सरबराह के लिए काम कर रहा है। मुझे बताओ, क्या कल्लात भी ये तुम्हारे साथ था? हो सकता है, लेकिन मेरी इसकी मुलाकात रोशनी में आज ही अस्पताल में हुई है।